हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। गाइस आज वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे कैटेगरी शेयर करने वाला हूँ जिस कैटेगरी के बारे में आप में से 99% लोगों को पता ही नहीं होगा। और ये जो कैटेगरी है इसमें पूरे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। इसके सामने ना ही टेक की कैटेगरी टिक सकती है, ना ही फाइनेंस की, ना ही क्रिप्टो की और ना ही ट्रेडिंग की कैटेगरी टिक सकती है। मतलब पूरे यूट्यूब पर जिस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पैसा है वो यही वाली कैटेगरी है। अगर आपको आरपीएम के बारे में पता है, आरपीएम जो यूट्यूब पर होता है, तो मैं बता दूँ इस कैटेगरी का जो आरपीएम है एवरेज वो है $20 का। जी हाँ, 20 डॉलर का। मेरा एक फ्रेंड उस कैटेगरी में काम करता है और उसका आप यहाँ पर आरपीएम खुद दे सकते हो। इसको 1000 व्यूज पर $20 का, मतलब $20 मिलता है। और इसकी आप अर्निंग देते हो कितने कम व्यूज पर कितने ज़्यादा डॉलर कमाता है। तो इस कैटेगरी में आप काम कर सकते हो। पूरा कॉपी पेस्ट का मेथड है, आपको बस दिन में 1 घंटा काम करना है, बस मुश्किल से 1 घंटा, और आपका मतलब वीडियो रेडी हो जाएगा और बस आपको उसको अपलोड कर देना। और इसमें जो कॉम्पिटिशन है इतना कम कॉम्पिटिशन है कि आप आगे देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, इतना कम कॉम्पिटिशन है। मतलब अगर आप एक टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करते हो तो उसी टॉपिक की एक ही चैनल की काफ़ी सारी वीडियो रैंक करती है, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन है और बहुत ही कम है, चैनल्स काफ़ी कम है। और जब चैनल्स कम होता है और अर्निंग भी मतलब ज़्यादा होती है, तो मतलब जो कंपनी होती है वो सारा एड जो उन्हीं कंपनी मतलब उन्हीं चैनल पर चलाएगी, तो आपको अर्निंग मतलब अर्निंग जो है इतनी ज़्यादा देखने को मिले कि आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर वो कैटेगरी कौन सी है, उसमें आपको वीडियो कैसे बनाना है, उसको अपलोड कैसे करना है, थंबनेल कैसे बनाना है, पूरा गाइड करूंगा। क्योंकि आप जो इस कैटेगरी में बिल्कुल नए होंगे और मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी के बारे में अभी तक सुने ही नहीं होंगे, तो आपको मतलब जो मैं जानकारी आपको दूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने मतलब इस कैटेगरी के बारे में ना ही सुना है और ना ही आपने इस कैटेगरी में कभी काम किया है। तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है, तभी आप मतलब ग्रो कर पाओगे, वरना आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऑनलाइन अर्निंग के टिप्स यहाँ पर देते रहता हूँ और YouTube से रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चलता हूँ मैं आप सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। आप गाइस यहाँ पर आप देखिए मैं आ चुका मोबाइल की स्क्रीन पर। ठीक है, अब पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आखिर जो आप कंटेंट बनाओगे वो कंटेंट किस टाइप का रहने वाला है, उसमें जो आप वीडियो अपलोड करोगे वो वीडियो किस टाइप का रहने वाला है। ठीक है, और मैं आपको पूरा मतलब ऐसे मैथड बताऊंगा जिससे आपको केवल दिन में 1 घंटा काम करना है, मुश्किल से 1 घंटा भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा आपको, मुश्किल से आधा घंटा या फिर 1 घंटा मैक्सिमम आपको काम करना है। और इसमें आपको आरपीएम $20 का मिलेगा, मतलब ये पूरे YouTube पर सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली कैटेगरी है। इसके सामने ना ही कोई मतलब अर्निंग की कैटेगरी टिक सकती है, ना ही क्रिप्टो की टिक सकती है, ना ही मतलब ट्रेडिंग की टिक सकती है, ना ही फाइनेंस की टिक सकती है, सबसे टॉप पर ये आती है। ठीक है, आपको पहले बताऊंगा कि आखिर जो कैटेगरी है कौन सी, उसके बाद बताऊंगा कि इस कैटेगरी में आपको वीडियो कैसे बनाना है, फिर बताऊंगा कैसे आपको थंबनेल बनाना है और अपलोड कैसे करना है और कैसे ज्यादा अर्निंग मतलब ज्यादा अर्निंग करनी है। और आप इस कैटेगरी में बिल्कुल नए होंगे तो आपको पूरा मतलब जो मैं आपको गाइड करूंगा उसको आपको फॉलो करना है, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप बता दो मतलब ये कैटेगरी आखिर है कौन सी। ठीक है, तो मैं सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर लेता हूँ बिल गेट्स पोर्टफोलियो। ठीक है, मैंने आप इसको सर्च कर लिया, आप मैंने सर्च किया, आप इसके यहाँ पे सबसे पहले टाइटल लिख लीजिए। वीडियो यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आ चुकी है, यहाँ पे देखिए इस वीडियो का टाइटल आप देख लीजिए, टाइटल आपको देखिए कुछ भी समझ जाएगा कि इस वीडियो के बारे मतलब इस वीडियो में क्या बताया गया। ठीक है, थंबनेल आप देखोगे तो थंबनेल भी आपको कुछ भी समझ नहीं है कि मतलब ये जो वीडियो है ये किस टाइप की है, कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि आप इस कैटेगरी में बिल्कुल नए हो। तो पहले बताता हूँ कि जो वीडियो है ये किस टाइप की, इसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक फोटो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए एक फोटो आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है बिल गेट्स है। ठीक है, आप इनको जानते हो, ये पूरी दुनिया के टॉप मतलब अमीर जो अमीर लोग होते हैं उनके लिस्ट में आते हैं, मतलब बहुत ही अमीर हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो पोर्टफोलियो, मैंने सर्च किया बिल गेट्स पोर्टफोलियो, बिल गेट्स इनका नाम है और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो मतलब अमीर आदमी है वो मतलब कैसे अमीर बने हैं, मतलब उन्होंने कैसे शुरुआत की थी और आज वो कितने फिगर हैं, मतलब कितने तरीकों से पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब होता है पोर्टफोलियो। ठीक है, और ये भी मतलब आर्निंग का कैटेगरी और ये यूट्यूब पर टॉप पे आती है, आप शायद इसका नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन ये पूरे YouTube पर सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली कैटेगरी है पोर्टफोलियो को। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा बताया जाता है और इसमें जो ऑडियंस रिटेंशन आता है वो पूरा आधा आधा आता है, क्योंकि पूरा मतलब जर्नी बताई जाती है अमीर लोगों की। ठीक है, और पूरा मतलब फाइनेंस का भी ये मतलब पूरा बाप है। ठीक है, बहुत ही अर्निंग देता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन वीडियो जो है मतलब मैक्सिमम आपको एक ही चैनल देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मतलब इस कैटेगरी का जो चैनल है बहुत ही कम है। यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है कूपर एकेडमी का। ठीक है, 22,000 व्यूज आया, यहाँ पर देखिए दोबारा कूपर एकेडमी की वीडियो आ चुकी है, मतलब एक ही चैनल की दो दो वीडियो यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। नीचे आप देखो यहाँ पे बिजनेस बेसिक की एक वीडियो रैंक कर रही है, नीचे आप देखोगे यहाँ पे देखिए बिजनेस बेसिक यहाँ पे एक और वीडियो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। मतलब इस कैटेगरी में बहुत ही कम आपको मतलब जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा, मुश्किल से एक दो चैनल ही है जो काम कर रहे हैं और उन्हीं की वीडियो मैक्सिमम रैंक कर रही है। अगर आप नए आओगे तो आपको ग्रो करने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। आप चलिए मैं क्या करता हूँ कि इनके को एक वीडियो को यहाँ पे प्ले करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो वीडियो ये किस मतलब जो लोग हैं ये कैसे बना रहे हैं और आपको कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसकी ये वाली वीडियो को यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, मैंने इसकी वीडियो यहाँ पे प्ले की और यहाँ पर आप देखिए आप इनकी वीडियो को चाहे जितनी और प्ले कर लो, एक ही वीडियो को आप आधे देखोगे उसको कट करके दोबारा प्ले करोगे तो आपको हर बार ऐड देखने को मिलेगा, मतलब एक वीडियो में कम से कम 10 ऐड आता है, बहुत ही मतलब ऐड आता है। ठीक है, देखिए मैंने अभी इस वीडियो को अभी दोबारा प्ले किया था, लेकिन दोबारा प्ले कर रहा हूँ, दोबारा फिर आ रहा है और पूरा अमेरिका का ऐड आ रहा है, पूरा मतलब अमेरिका का ऐड आ रहा है। ठीक है, देखिए बहुत महंगा यहाँ पे ऐड आ रहा है। अब इसको मैं सिंपल स्किप करता हूँ, इसलिए मैंने इसको स्किप किया
यहाँ पे मैंने स्किप किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बनता है मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फोटो ऐड करके रखा हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फोटो यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है और यहाँ पे फोटो में कुछ मतलब कुछ बोलता रहता है और फोटो यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी स्क्रीन शॉट लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए अभी इसने यहाँ पे दो स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है, ये दो चीज़ लगाया हुआ है और ये चीज़ जो है लिखी हुई है, ठीक है। अब बस ये बोलता रहता है, अब क्या बोलता रहता है कि मतलब इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसे किया और पूरा इंग्लिश में बोलता है, ठीक है। जिससे व्यूज़ जो है सारा अमेरिका से आता है। अब बताता हूँ कैसे आपको इस टाइप की वीडियो बनानी है और कैसे आपको पता चलेगा कि बिल गेट्स आखिर मतलब बिल गेट्स ने क्या किया है और उसके बाद आपको कैसे उसको वीडियो में लेके आना है पूरा बताऊंगा, ठीक है। आपके लिए वो बताता हूँ कैसे कुछ टाइप की वीडियो बनानी है। अब कैसे आप देखिए, आप मैं बता दूँ कैसे आप इस टाइप का जो वीडियो है वो बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट का मेथड बताऊंगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में आपका जो वीडियो रेडी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप मैं आपको करना क्या कि आपको कोई एक नाम डिसाइड करना है कि आप किन पे वीडियो बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाया वो बंदा जो है बिल गेट्स बनाया था, ठीक है। तो आपको पहले नाम डिसाइड करना है, इसके लिए आपको सिंपल गूगल ओपन करना है, गूगल में सर्च करना है टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसको आपको सर्च करना है, सर्च करना आपको यहाँ बहुत से लोगों के नाम पता चल जाएंगे। अगर आपको नाम नहीं पता, अगर पहले से पता तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता तो आपको बिल गेट्स, जेफ बेसोस, वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग और बहुत सारे यहाँ पे लोगों के नाम पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई एक नाम को यहाँ पे उठा लेना, जैसे मैं एग्जांपल के मान लेता हूँ कि आप जो बनाने वाले हो बिल गेट्स पे, आप बनाने वाले हो, ठीक है, बिल गेट्स पे। तो बिल गेट्स बनाने के लिए आपको इनकी जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए, मतलब ये कब पैदा हुए थे, मतलब ये अभी मतलब इनका नाम क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है, ये किस देश से बिलोंग करते हैं, इनका मतलब अभी सब कुछ आपको पता नहीं, मतलब पैदा कब होते हैं, मतलब पूरी जानकारी आपको इनकी पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको सिंपल करना है कि गूगल ओपन करना है और यहाँ पर बिल गेट्स सर्च करना है, ठीक है। बिल गेट्स सर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे डिटेल पता चलेगा, यहाँ पर देखिए कि किस देश को दिन को पैदा हुए थे, कौन से साल में पैदा हुए थे, अब इनकी उम्र कितनी है, अब इनकी नेटवर्थ कितनी है 2022 में कितनी है, और यहाँ पे देखिए ये कितना है, यहाँ पे देखिए इनका एजुकेशन कितना हुआ है, यहाँ पे कितने इनके मतलब चिल्ड्रन हैं, यहाँ पे देखिए इनके पेरेंट्स का नाम क्या है, मतलब पूरा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो है यहाँ पे आपको सारी जानकारी जो है यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, सारी जानकारी को करने के बाद आप इसको जो है यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आपको नोटबुक में जाना है, नोटबुक में जाने के बाद आप इसको यहाँ पे जो है सेव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इसको जो है सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने हमको यहाँ पे इनका नाम पता चल गया, यहाँ पे इनका जन्मदिन पता चल गया, मतलब सारी जानकारी यहाँ पर हमें मिल गई, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि दोबारा से जहाँ यहाँ पे जाना है और यहाँ पे बिल गेट्स पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो आपको सिंपल सर्च कर लें, ठीक है। बिल गेट्स पोर्टफोलियो इसको आप सर्च करोगे यहाँ आपको इनकी जानकारी भी मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए बिल गेट्स, यहाँ पर आपको पूरा जानकारी पता चल जाएगा कि बिल गेट्स अभी कितना मतलब अर्न कर रहे हैं, इन्होंने मतलब कितने ज़्यादा शेयर्स लिए हुए हैं, कितने आपका मतलब इनका कितना टर्नओवर का मतलब डॉलर है, ये आपको पूरी जानकारी पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा को इनका पता चल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, मतलब यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लो चाहे कॉपी कर लो इसको, आपको इसको भी जहाँ पे जो है यहाँ पे ले आना, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको भी जो आपको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको अब ये सारी जानकारी जब आपको हो जाए, मतलब बिल गेट्स का नाम पता चल जाए, उनके मतलब वो कब पैदा हुए थे, उन्होंने मतलब कौन कौन से मतलब काम किया हुआ है, मतलब कौन कौन से स्टॉक खरीदे हुए हैं, सब कुछ आपको जानकारी जो कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो को क्रिएट करना है। वीडियो कैसे क्रिएट किया जाता है चलिए बताता हूँ। अब कैसे आप देखिए, आप वीडियो को क्रिएट करने के लिए कैन मास्टर के अंदर आना है और यहाँ पर पैसे पहले एक मतलब बिल गेट्स की एक फोटो को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। बिल गेट्स की फोटो को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इसके जो लेंथ है तकरीबन 5 मिनट या फिर 4 मिनट की आपको रख देना है, इससे बड़ी आपको 10 मिनट की नहीं बनानी है, क्योंकि शुरुआत में आपको मतलब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप छोटी वीडियो बनाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं 4 मिनट की बनाने वाला हूँ, उसको हम सिंपल करेंगे क्या कि बिल गेट्स की जब फोटो इंपोर्ट कर लेंगे उसको आपको ट्राई कर लेंगे ब्लैक एंड फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रहे, ठीक है, ताकि मतलब वो देखने में काफ़ी मतलब प्रोफेशनल लगेगी और मतलब ये कलेक्ट भी होते, ठीक है। इसको आपको सिंपल करना है कि मतलब यहाँ पे लिख देना है बिल गेट्स, ठीक है। अगर आप नहीं लिखा हुआ तो आप यहाँ पे बिल गेट्स यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बिल गेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, इसको हम करेंगे क्या बिल गेट्स की फोटो जो है यहाँ पे इतनी बड़ी करके यहाँ पे साइड में लगा देंगे और उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा अच्छा करके यहाँ देखिए बिल गेट्स फोटो हम यहाँ पे लगा दिए और इसको जो लेंथ है पूरा हम आखिरी तक कर देंगे, ठीक है। हमने भी इसको बिल गेट्स की जो लेंथ है यहाँ पे आखिरी तक कर दी, इसको थोड़ा सेट कर लेंगे, यहाँ पे इसको जो साइड में लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाम ऐड करने के बाद आपको करना है कि जो अभी आपने मतलब जानकारी जो है वो यहाँ पे अब नाम लिखने के बाद आपको करना है कि जो भी आपने लिखा हुआ है मतलब जो रिसर्च करने के बाद जो आपको पता चला था कि इनका नाम ये है, इनका जन्म मतलब इतने साल को हुआ और सारा डिटेल आपको बोलना है, ठीक है। मतलब इसके लिए मैं आपको ओपन करना, ज़्यादा आपको एडिटिंग नहीं करनी है, मतलब फोटो यहाँ पे चलती रहेगी, क्योंकि जो वीडियो रहती है इसी टाइप की रहती है, इधर फोटो चलती रहती है और लोग मतलब बोला जाता है, ठीक है। तो आपको सारा बोल लेना, बोलने के बाद आपको यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। सिंपल आपको एक्सपोर्ट कर लेना है अच्छी क्वालिटी में 4K में आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको जो वीडियो 100% रेडी हो जाएगी। आप मैं बता दूँ कैसे आपको इसको थंबनेल बनाना है, ठीक है।
आपको देखिए थंबनेल बनाने के लिए सिंपल आपको करना है कि पिक्सेल लाइव एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपल इसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद इसका साइज जो नॉर्मल आपको पता है यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल कर लेना है, ठीक है। करने के बाद सिंपल इसको इमेज साइड पर जाना है और यहाँ पर अपनी इमेज को जो है जो आपने अभी डाउनलोड किया था वो इमेज को यहाँ पर जो है इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए ये वाला जो इमेज था इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी जो इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब हम करेंगे कि सिंपल जो है दोबारा जाएंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर देखिए इमेज सर्च मैंने एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्च कर लेंगे ग्राफ सर्कल, ठीक है। हमने यहाँ पे सर्कल सर्च कर लिया, ठीक है। ग्राफ सर्कल यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये चीज़ आ चुकी है। इसको हम करेंगे क्या, सिंपल इसको करेंगे क्या, इसको जो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद हम सिंपल करेंगे क्या, जो चीज़ है मतलब जो चीज़ है इसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको कट कर देंगे सबसे पहले। इसके बाद जो चीज़ हमने यहाँ पे जो डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे जो इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको जो इंपोर्ट कर लिया। आपको थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से बनाना है, अच्छे से कलर मतलब कलर कॉम्बिनेशन करना है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया। आप सिंपल करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे पोर्टफोलियो, ठीक है। पोर्टफोलियो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम सिंपल करेंगे कि यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे इसको जो मतलब जो इसका टेक्स्ट है इसको सिंपल अच्छा कर देंगे, ये वाला कर देंगे बिल गेट पोर्टफोलियो हो गया। इसका जो कलर है हम कर देंगे सिंपल है ग्रीन, ठीक है। हम इसका कलर जो कर देंगे ग्रीन। बस हमारा थंबनेल जो वो रेडी हो चुका है। बस हमारे सामने थंबनेल इतना ही रहेगा। आपको ज़्यादा कुछ मतलब एडिटिंग नहीं करनी है। और यहाँ पर आप चाहो तो इनका नाम भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए आपको इनका नाम भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए हम नाम भी लिख देते ताकि और भी अच्छा लगे। यहाँ पर लिख देंगे बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स हम लिख देंगे और इसका जो कलर कर देंगे वाइट, ठीक है। हमने इसका जो कलर कर दिया वाइट। बस हमारी वीडियो जो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो हमारी रेडी हो चुकी है। काफ़ी कम मेहनत से बनाया है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आपको देगी। अगर आपको पता नहीं है कि मतलब इसमें कैसे अर्निंग करते हैं तो आप इसमें एक बार काम कर देखिए। अगर आपका आपकी अर्निंग काम हुई तो आप मुझे बताना, मैं अपना चैनल जो है डिलीट कर दूंगा, पूरा कन्फर्म डिलीट कर दूंगा। लेकिन आपको इससे ज़्यादा अर्निंग पूरी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ी सी बोरिंग कैटेगरी जरूर है लेकिन अर्निंग जो है वो इतनी ज़्यादा आपको देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस आपको थंबनेल रेडी हो गया, वीडियो रेडी हो गया, आपको बस अपलोड कर देना और अच्छे से एसईओ कर देना है। एसईओ करने के लिए आप उन्हीं का एसईओ यहाँ पे देखिए, आप इन्हीं का जो है एसईओ यहाँ पे उठा सकते हो। यहाँ पे देखिए बिल गेट्स का एसईओ मतलब इन्हीं का जो है आप एसईओ उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा इनका जो एसईओ आप यहाँ पे उठा सकते हो। जब आप क्लिक करोगे तब आप इनका जो है यहाँ पर आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा आपको इन्हीं का जो एसईओ जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर उठा लेना है। यहाँ पे देखिए टाइटल वगैरह उठा देना है आपको। बस आपको वीडियो रेडी हो जाएगी। ज़्यादा आपको टाइटल थंबनेल पर ध्यान नहीं देना क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत कम है तो आपकी वीडियो 100% रैंक करेगी, ठीक है। बस आपको इतने काम करना है और आपको मतलब पूरा काम खत्म हो जाएगा और आपका मतलब काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।